वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ ट्रेजर ट्रेजर विद दीप्ति। आज का ट्रेजर जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये प्राइस टैग्स या फिर क्लोथ टैग्स। तो इन्हें यूज करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाएंगे। तो चलिए आज का DIY स्टार्ट करते हैं। कैक्टस प्लांट बनाने के लिए मैं ये दो टैग्स ले रही हूँ। सबसे पहले इसे ऊपर से राउंड शेप देके कट कर दूंगी और फिर नीचे की साइड से एक स्लिट कट कर दूंगी। ऐसे ही दूसरे वाले में राउंड शेप देके ऊपर की साइड से एक स्लिट कट कर देंगे और फिर इन दोनों स्लिट्स को एक दूसरे में से स्लाइड कर दूंगी। कलरिंग के लिए मैं वाइट और ग्रीन कलर का फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। तो इसे मैं पूरा कवर कर दूंगी। अच्छे से प्रिंट को कवर करने के लिए 2-3 कोट करने पड़ेंगे। यहाँ पे व्हाइट कलर मैं मिक्स करके एक पेस्टल शेड क्रिएट कर रही हूँ और फिर उसके बाद में व्हाइट कलर से ऐसे लाइन कर दीजिए जिससे कि इल्यूजन हो कि काटे हैं उस पर। और फिर इन दोनों टैग्स को ऐसे स्लाइड कर दीजिए एक दूसरे में और एक कैक्टस प्लांट रेडी हो जाएगा। इसको मैं रख रही हूँ एक कुल्हड़ में। एक चाय का कूलर मेरे पास रखा हुआ था तो उसी में मैंने रख दिया है और फिर इसे पेबल्स से डेकोरेट कर रही हूँ। और एक क्यूट एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं इस पे आईज ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप जो भी मन करे वो ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा क्यूट सा कैक्टस प्लांट। पेंट्री लेबल बनाने के लिए मैं एक सॉलिड कलर का टैग ले रही हूँ। उसके ऊपर आप जो भी ग्रोसरी है उसका नाम लिख दीजिए और फिर उसमें एक पंच करके उसे जूट थ्रेड की हेल्प से मैं टाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ कि मुझे कितना थ्रेड यूज होगा और फिर उसे कट करके मैं इसके दोनों एंड्स इस होल के अंदर से पास करूंगी और फिर इसके अंदर से इस तरह से पास करके और एक नॉट क्रिएट कर दूंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और उसके बाद मैं इसे इसके नेक पे बांध देती हूँ। तो मैं इस तरह से बांध रही हूँ कि वो इजीली वापस से मैं खोल सकूँ। कंटेनर एम्प्टी होने के बाद रिफिल करने से पहले मैं वॉश करना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने लेबल्स भी इसे एक थ्रेड की हेल्प से टाई किया है जिससे जब भी मुझे वॉश करना है मैं इजीली उस लेबल को हटा सकूँ एंड देन वॉश करने के बाद में वापस से उसे इजीली उस पर टाई कर सकूँ। तो ऐसे ही मैंने सारे लेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। ऐसा ही एक लेबल मैंने जूस डिस्पेंसर के जार पे लगाया है तो इससे आपकी पार्टी में एक वाव फैक्टर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एक बुकमार्क। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा और आप लोग शायद ये यूज़ भी करते होंगे कि जो ऐसे टैग्स आते हैं उसे एज ए बुकमार्क यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे बस एक जूट का थ्रेड उस पर बांध रही हूँ जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट और फिर उसे बस एज ए बुकमार्क यूज़ करूँगी। अगर उसका प्रिंट अच्छा है तो आप एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज उसे आप कवर कर दीजिए। नेक्स्ट मैं ये दोनों टैग्स यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़े बड़े साइज़ में हैं तो मैं इसके ऊपर एक पेपर कट करके लगा रही हूँ और फिर इस पर मैं कोट लिख रही हूँ। आप अपनी मर्जी का कुछ भी मैसेज उस पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये कोट्स लिख रही हूँ और इसे अपने वर्क डेस्क पे मैं रख दूँगी। मेरे पास ये एक जैसे काफ़ी सारे टैग्स हैं तो इसका जो टेक्स्ट है मैं उसे कवर कर रही हूँ और फिर ये हर कटआउट पे मैं सिंगल लेटर्स लिख दूँगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्माइल, तो हर एक हार्ड कटआउट पे मैं लेटर लिख रही हूँ एंड देन उसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं उस पर स्टिक कर दूँगी। देन इन सभी इंडिविजुअल कार्ड्स को मैं जूट थ्रेड पे इस क्लिप की हेल्प से अटैच कर दूंगी।
तो ऐसे ही आप कोई सा भी बैनर बना सकते हैं, हैप्पी बर्थडे का बना सकते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी का बना सकते हैं, जो भी आपका मन कर रहा है आप वो बना सकते हैं। So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching it. If you do, then like, share and subscribe to my channel. और अगर आप इनमें से कोई सा भी DIY try कर रहे हैं तो please tag me on Instagram @craftyourloveofficial. I would love to see your recreations. And मैं मिलती हूँ आपसे next video में. Till then, bye bye and happy crafting.